प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर आजमगढ़ से है। भारत बंद के मद्देनजर विपक्षी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। बंदी का अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में नहीं दिखा असर, खुले रहे बाजार। एसपी डीएम ने चौक क्षेत्र में भ्रमण कर व्यापारियों को सुरक्षा के प्रति किया आश्वस्त। भारत बंद के आह्वान को लेकर आजमगढ़ में सुबह से ही काफी गहमा गहमी दिखाई दी। किसानों के आंदोलन के समर्थन में आजमगढ़ में पहले से ही सभी विपक्षी राजनीतिक दलों की तरफ से समर्थन का ऐलान कर दिया गया था, जिसको लेकर कल सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त सक्रियता दिखाई। हालत यह थी कि सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स विपक्षी पार्टियों के नेताओं के दरवाजे पर पहुंच गई और सभी को घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया, जिसको लेकर नेताओं में भी काफी नाराजगी थी। वहीं खुद डीएम राजेश कुमार व एसपी सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिकारीगण व पुलिस फोर्स पूरे हालात का जायजा लेते रहे। जनपद के सभी प्रमुख तिराहों पर फोर्स तैनात कर दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ बंद के असर का सवाल है तो आजमगढ़ शहर के मुख्य चौक समेत आसपास की सभी मार्केट पूरी तरीके से खुली रही और बंद का कहीं कोई असर नहीं दिखाई दिया। व्यापारीगण लॉकडाउन के चलते पहले से हुए नुकसान को ध्यान में रखकर फिलहाल बंदी के मूड में कहीं नहीं दिखाई दिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए आजमगढ़ से फूलपुर से असगर आजम की रिपोर्ट। सर, आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसको लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था और क्या हालात हैं इस समय? सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारीगण सब फील्ड में हैं और जैसे कि हम चौक में हैं, आजमगढ़ शहर के मुख्य चौक में हैं, हम देखिए पूरा सारी दुकानें सामान्य रूप से खुली हैं और जो कस्टमर्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो भारत बंद का कोई असर यहाँ पे नहीं है और सारी चौकस बढ़ दी गई है और ट्रैफिक से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सब रोजाना की तरह हमारे चल रहे हैं। कई प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए हैं जिससे कि इस तरह कोई माहौल न बिगड़े और शांतिपूर्वक जनपद सुचारू रूप से चल रही है। आजमगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसे क्या है? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं ये जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह से अलर्ट है। सुबह 7 बजे से पूरा पुलिस बल हमारा सड़कों पर है, पेट्रोलिंग की जा रही है, पिकेटिंग की जा रही है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। कोई किसी को आपने देखा होगा पूरा बाजार खुला है, सामान्य आवाजाही है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो भारत बंद से प्रभावित हो। नागरिकों से क्या अपील करेंगे जैसे पुलिस की तरफ से? देखिए, नागरिक खुद जागरूक हैं और खुद अपना अच्छा बुरा सोचते हैं, सबने अपनी दुकानें खोल रखी हैं और अगर कहीं कोई बात होती तो जरूर कहीं बात होता है, ऐसा कोई ऐसा आजमगढ़ में नहीं है और नागरिक खुद जागरूक है, वो अपना अच्छा बुरा सोचते हैं।